आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविन्द्र जायसवाल ने की विभागीय समीक्षा। लंबित मामलों के निस्तारण के साथ राजस्व बढ़ाए जाने के दिए निर्देश। भटहट कस्बे में मेन रोड पर बिना किसी अनुमति के दीप राज हॉस्पिटल चलाने वाले बिना डिग्री के फर्जी चिकित्सक को गुलेरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले की बढ़ती आबादी को देखते हुए एसएसपी ने बीट सिस्टम को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। कहा, बेहतरीन कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को किया जाएगा पुरस्कृत। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक। संस्थान में कार्यरत सभी श्रमिकों का कोविड वैक्सीनेशन कराने के साथ औद्योगिक गतिविधियां संचालित रखने के दिए निर्देश। कोरोना टीकाकरण का रफ्तार हुआ धीमा। बुधवार को 29 केंद्रों पर मात्र 3,814 लोगों को लगा टीका। सीएमओ ने कहा, 1 जुलाई से बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार। मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के तत्वावधान में आयोजित हुआ कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम। प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों एवं मीडिया कर्मियों को किया गया सम्मानित। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने ऑपरेशन तमंचा अभियान पर कहा, अब तक 9 अभियुक्तों की अवैध तमंचे के साथ की जा चुकी है गिरफ्तारी। लोगों से की अपील। कहा, अवैध तमंचे रखने वालों की पुलिस को दी जानकारी, की जाएगी कार्यवाही। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के जनपद में आगमन होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा, भाजपा के आला कमान से मिलकर निषाद समाज के आरक्षण तथा विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को उचित सम्मान देने की गई है मांग। गोरखपुर में बुधवार को मिले 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,281। अब तक 842 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 59 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विशेष भूमि अध्याप्ति से संबंधित प्रत्यावेदन के निस्तारण संबंधित बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के क्रियान्वयन संबंधित बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले वन महोत्सव के तहत जनपद में रोपे जाएंगे 44 लाख पौधे। विरोध वन में स्थापित किया जाएगा स्मृति पार्क और आरोग्य वन। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तहसील इकाई के नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ निर्विरोध संपन्न। अध्यक्ष पद पर चंद्रभान प्रसाद, मंत्री रवि शंकर गुप्ता सहित सभी पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध हुआ निर्वाचन। 6 सूत्रीय मांग को लेकर संयुक्त वाम दल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ संपन्न। क्षेत्रीय अध्यक्ष पद पर दिनेश मणि मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री राजेश पांडे सहित सभी पदों पर पदाधिकारियों का निर्विरोध हुआ निर्वाचन। और बुधवार को रात्रि 9 बजे से लागू नाइट कर्फ्यू में भी खुली रही दुकानें। लोगों को नहीं है नाइट कर्फ्यू का खौफ। एसपी सिटी ने कहा, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर होगी विधिक कार्यवाही।